हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं स्नो ड्राइविंग फ्रॉम आईआईटी मंडी टू बग्गी। मंडी हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही शानदार जिला है, पहाड़ों से घिरा हुआ, इनफैक्ट पहाड़ों में ही है, बीच में नदी है, बहुत ही शानदार नजारा वहां का। मंडी से लगभग 16 किलोमीटर दूर कमांड एक जगह है, कमांड जिसको हिंदी में कहते हैं, आईआईटी स्थित है और आईआईटी के साउथ कैंपस से लगभग 15 किलोमीटर और आगे प्रासर लेक की तरफ जाते हुए एक जगह आती है बग्गी। 7 फरवरी 2019 को एक वहां पर भयंकर स्नोफॉल हुआ और लगभग 1996 के बाद मंडी में पहली बार स्नोफॉल हुआ था। हम लोग वहीं पर थे उस समय। हमने मंडी से यानी कि आईआईटी के साउथ कैंपस से लेकर बग्गी तक जाने की हमने गाड़ी से कोशिश की। हम प्रासर जाना चाह रहे थे लेकिन हम बग्गी तक ही हमें रुकना पड़ा क्योंकि स्नोफॉल इतनी ज्यादा थी, रोड स्लिपरी हो चुका था और गाड़ी चलाना लगभग वहां पर असंभव था। हमने वहां से आगे लगभग 2 किलोमीटर और बग्गी से आगे जाने की कोशिश की लेकिन हमारी गाड़ी के टायर जो है स्लिप होने शुरू हुए और आगे हमने पता किया वो लोकल से, तो उन्होंने बताया कि आगे रास्ता बिल्कुल बंद है, अगर आपको पराशर जाना ही है तो गाड़ी यही रोकनी होगी और तब आपको वहां पर पैदल जाना होगा। हमने उस फैसले को बदल लिया, हमने किसी तरह गाड़ी को बैक किया और वापिस बग्गी पे आ गए और वहां पर इस दौरान हमने एक छोटा सा वीडियो शूट किया कि स्नो में जो ड्राइविंग है वो किस प्रकार की होती है और वहां का कैसा कैसा नजारा है। तो आप अभी मैं आपको वो इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। स्नो के एक्सपीरियंसेस, स्नो ड्राइविंग के मेरे एक्सपीरियंस जो सबसे पहले अनुभव थे, बड़े रोमांचक भरे थे लेकिन थोड़ा सा उनमें खतरा भी है। तो आप यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार हमने मंडी के साउथ कैंपस से बग्गी गांव तक जो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो तय किया। हालांकि पूरे 15 किलोमीटर की ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो मात्र थोड़ी सी है, 1 किलोमीटर के आसपास की वीडियो है। तो और इसमें जो दिखाया गया है ये शुरुआत है कि आईआईटी कैंपस से थोड़ा सा ये बग्गी जगह गांव का एक नजारा जो हमने वहां पहुंच कर लिया। ये पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं कि जो स्नोफॉल थी किस तरह से उसने इस रास्ते पर एक बहुत नजारा भर दिया था। ये देखिए, ड्राइविंग शुरू होती है, चारों तरफ बर्फ है, गाड़ियां पहले से आज जा चुकी हैं और जो रास्ता है वो एक सिंगल ट्रैक बना हुआ है। पानी भी रास्ते में है क्योंकि बर्फ जो मेल्ट होती है वो आप देख रहे हैं। मेरा एक साथी आईआईएम अहमदाबाद से आए थे, प्रोफेसर शशांक, उन्होंने इस वीडियो को शूट किया। मैं ड्राइव कर रहा हूं, वो बोस्टन भी रह चुके हैं, उनको स्नो ड्राइविंग का काफी अनुभव है, तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से स्नो में ड्राइविंग की जाती है। और वो बता रहे थे मुझे कि अगर गाड़ी स्लिप होने लगती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी स्लिप हो रही है आपको उसी डायरेक्शन में स्टीयरिंग को घुमाना है, नहीं तो बहुत भयंकर खतरा हो सकता है। ये उन्होंने मुझे इस बात को अवगत कराया। और देखिए, लगभग हमारी उस समय स्पीड रही होगी 30 से 40 किलोमीटर के बीच। आप यहां पर रस्ते में बीच बीच में रोड के पानी भी भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, रोड टूटा हुआ है, ये देखिए फिर पानी, यहां पर लैंडस्लाइड का भी खतरा हो सकता है क्योंकि मॉइस्चर, जैसे ज्योग्राफर्स ने हमें बताया कि मॉइस्चर मिट्टी में बढ़ जाने से लैंडस्लाइड हो सकती है। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये जैसा मैंने बताया आईआईटी मंडी के साउथ कैंपस से पराशर की तरफ जाते हुए ये रोड है। हमने कोशिश की थी पराशर तक पहुंचने की लेकिन हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि स्नोफॉल काफी ज्यादा था, रास्ते बंद हो चुके थे, अगर हम जाते तो पैदल ही जाना हमारे लिए एक संभव रास्ता था जो कि इतना समय हमारे पास हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी ये रास्ता बड़ा रोमांचक भरा,
बड़ी रोमांचक भरी ड्राइविंग, हमने इसका खूब आनंद भी लिया। ये देखिए मन वहां बग्गी पहुंचकर हमने वहां के वीडियो शूट की, ये बर्फ का पूरा पूरा वहां पर नजारा रहा और हमने किस तरह ड्राइविंग की और एक बहुत ही शानदार हमारा अनुभव रहा। दोस्तों ये थी वीडियो हमारी IIT साउथ कैंपस से बग्गी गांव की तरफ, जहां पर हमने 7 फरवरी को ये ट्रेवल किया और हमने आनंद उठाया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप भी किसी प्रकार की सलाह या कमेंट्स चाहते हैं कैसा मेरा अनुभव रहा, तो आप मेरे vermasujit@yahoo.com पर ईमेल कर सकते हैं, मैं अपने अनुभव आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।